नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जप नाम जप नाम जप नाम। नमस्ते नमस्ते। कल वाले कल कहाँ बटवाए थे? बैठ जाइए, काफी जगह है, बैठ जाइए। YouTube पे आप लोगों को लाइव किया गया, कोना कोना से बच्चों को दिखाते रहना ताकि इनके मम्मी पापा को पता चले कि संडे हो या मंडे संघर्ष हर दिन जारी रहता है। कौन किसके पास बैठा है ये भी दिखता रहे। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे कैसे बैठ गए? नमस्ते 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 नमस्ते। वॉइस शुरू करेंगे और बहुत जल्द वॉइस खत्म भी हो जाएगा। आज ही खत्म हो जाएगा। चार बैच लेते हैं आप और अभी तक मैं चारों बैच में आपको सिखा नहीं पा रहा हूं और वॉइस आज ही खत्म करने के चक्कर में है। तो मैंने क्या कहा, मैं नहीं सिखा पा रहा हूं ये बोला ना मैंने। ये तो नहीं बोला कि आप नहीं सीख पा रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं सिखा पा रहा हूं और एक दिन में वॉइस खत्म कर देंगे। हम जानते हैं कि मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्टली कैपेबल हैं सीखने में, कहीं ना कहीं हमसे ही गलतियां चूक रह जाती है, इसलिए हर बैच में तरीका बदलता रहता हूं कि शायद कोई ना कोई तरीका बच्चों को सूट कर जाए। नहीं नहीं, ऐसे ही जिंदगी में सोचना चाहिए। हकीकत क्या है वो परमपिता परमेश्वर में छोड़ना चाहिए हमें। एज ए टीचर मैं यही सोचता हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्टली कैपेबल है सीखने में, कहीं ना कहीं मेरे सीखने के सिखाने के तौर तरीके में कोई ना कोई गलतियां हो रही है, नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैं मेहनत करता हूं और मेहनत मैं अपने ऊपर करता हूं क्योंकि खामियां खुद में ढूंढता हूं और इंप्रूवमेंट भी होता है। लेकिन मैं ये सोच लूं कि नहीं, क्रिस्टोफर परफेक्ट और बच्चे ही नहीं नादान ना समझ है, तो फिर कभी हम सिखा नहीं पाएंगे। और यही चीज आपको सोचता है मानवेंद्र जी कि मेरा टीचर परफेक्ट है, कहीं ना कहीं हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन पा रहे गोस्वामी जी, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो फिर आप अपने पे मेहनत करोगे, हम अपने पे मेहनत करेंगे, फिर दोनों मिलकर मेहनत करके मंजिल को पा लेंगे 200 में 200। आइए शुरुआत करते हैं वॉइस की। वॉइस का ऐसे देखा जाए तो वॉइस के अर्थ आप जानते हैं, वॉइस मतलब क्या होता है बताइए, आवाज। और अगर हम ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो वॉइस का मतलब होता है वॉच, वॉच ऐसे वॉच। ये नहीं है वॉच, बहुत बढ़िया। जय महाकाल। हमारे बीच में एक जूनियर महाकाल भी पहुंचे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली बिरजू जी वॉइस क्या होता है, क्या है वॉइस? वॉइस आवाज है, जनता की आवाज है। क्या बात है मुन्नी, बहुत मुन्नी आप क्या सोचती हैं? बहुत ही सुंदर, क्या बात है मुन्नी। कह रही है कि सर वॉइस बेसिकली क्या होता है, वॉइस
तरीका है वर्ब को एक्सप्रेस करने का। हमारे पास नाउन है, हमारे पास प्रोनाउन है, हमारे पास एडजेक्टिव है, सारे शब्द शब्द के रूप में इनका कोई वजूद नहीं है। ये शब्द जब तक सेंटेंस नहीं बनते हैं शब्द बेकार है, शब्द बिल्कुल बेकार है। और हर शब्द को एक्सप्रेशन देने के लिए हमारे पास अलग अलग ग्रामेटिकल टूल है। और सारे शब्दों में से एक शब्द है वर्ब। एक शब्द क्या है? वर्ब। और वर्ब को एक्सप्रेशन देने के लिए, वर्ब को एक्सप्रेस अभिव्यक्ति देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ग्रामेटिकल टूल है जिसके जरिए अलग अलग शब्द को सेंटेंस में इस्तेमाल करके उसको एक अर्थ, एक मीनिंग दिया जाता है। उसी प्रकार वर्ब है, वर्ब को जो व्यक्त करने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाता है दीपक जी? वो वॉइस कहलाता है। वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब। किसी वर्ब को व्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है? वर्ब है, वॉइस है। और नरेशन क्या होता है? नरेशन नैरेट शब्द से बना है, नैरेट शब्द से बना है। और नैरेट का मतलब होता है सुनाना। नैरेट का मतलब क्या होता है? तो हमने जो भी स्टेटमेंट दिया, जो भी स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट को या मैं या मेरे अलावा कोई अन्य व्यक्ति अगर उसी स्टेटमेंट को दोबारा सुनाता है किसी को, तो वो क्या बन जाता है? नरेशन बन जाता है। वो नरेट कर रहा है मेरी बातों को। वॉइस में नरेट नहीं किया जाता है, वॉइस में तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उसी स्टेटमेंट को दुनिया जब सुनाती है तो क्या बन जाता है? वो नरेशन बन जाता है। तो आइए जानते हैं वॉइस को, बेसिक से जानते हैं वॉइस है क्या। तो वॉइस, और मुन्नी इज ऑलवेज राइट, मुन्नी बिल्कुल सही जवाब दी। वॉइस इज अ वे, वॉइस इज अ वे टू नरेट। नरेशन आ रहा है बीच में। वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब एंड वी कैन एक्सप्रेस अ वर्ब इन टू वेज। हम किसी भी वर्ब को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और उसी को कहते हैं हम एक्टिव और पैसिव। जैसे टेंस इज ऑल अबाउट व्हाट? टेंस इज ऑल अबाउट वर्ब। लाइक वाइज वॉइस इज ऑल अबाउट वर्ब। उसी तरह वॉइस भी किसके बारे में, किस पे टिका हुआ है, इसके केंद्र में कौन है? वर्ब है। न्यू बैच 20 जुलाई से शुरू हो रहा है ऑफलाइन, उसी ऑफलाइन को ऑनलाइन में तब्दील कर दिया जाता है, तो न्यू बैच तभी आएगा। और यूट्यूब पे मौजूद तमाम बच्चों को जो अरबों की संख्या में पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरे पास मैसेज आया है कि पटना से रामेंद्र पांडे जी का फोन आया है कि आप बच्चों को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और क्या घंटी बजाना, ये सब बता दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सागर जी, बिरजू जी, क्या बात। सर बिरजू आया है क्या? क्या बात, बहुत अच्छी बात। जब बच्चे शांत हो, सुन रहे हो ना, जब बच्चे शांत हो तो इनको मत दिखाना,
और जब बच्चे अपने रुद्र रूप में हो, महादेव हो, तभी इनको दिखाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। YouTube पे सब अपने ही बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिटी बजाइए या फिर ये कौन बजा रहा है, कहां से बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, ऐसे कैसे आवाज आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब एंड वी कैन एक्सप्रेस अ वर्ब इन टू वेज, एक्टिव और पैसिव। एक वर्ब एक्टिव में कब कहलाता है, आइए उसको जानते हैं। कोई वर्ब अगर एक्टिव में है, कोई वर्ब अगर एक्टिव में होगा, तो हम हजार बार पहले भी बता चुके हैं और आज बता रहे हैं कि सेंटेंस का एक पोजीशन होता है, एक पोस्ट होता है, एक पद होता है, जिसे हम कहते हैं क्या। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए, डूअर, तो समझ जाइए वो वाक्य क्या है, एक्टिव है। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, इस वाक्य में सबसे पहले तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट और डूअर में जमीन आसमान का, जैसे कि मिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर में अंतर है। कल मोदी जी नहीं रहेंगे, फिर भी प्राइम मिनिस्टर का पद रहेगा। परसों मोदी जी नहीं थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर का पद था। उसी प्रकार सब्जेक्ट भी एक पद है, और इस पद पे कभी डूअर आके बैठ जाता है तो कभी ऑब्जेक्ट आकर बैठ जाता है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, ये इस वाक्य का मुन्नी सब्जेक्ट क्यों है, आइए जानते हैं मुन्नी से सब्जेक्ट क्यों है। बिल्कुल सही जवाब मुन्नी कह रही है कि मास्टर जी आपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया था, जिसके लिए। बहुत ही सुंदर मुन्नी का भाई, तो कमाल का है कि जिसके लिए वर्ब आ जाए, जिसके लिए मैं बहन बोल सकता हूं और आप भाई बन गए तो चेहरा उतर गया आपका। अरे आप मेरे भाई हो कि नहीं, हाँ तो फिर बात खत्म, भाई की बहन बहन ही होती है। चेहरा ऐसे उतर गया कि पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई कहता है, भाई कहता है, मनीष भाई कहता है कि सर वर्ब जिसके लिए, जिसके लिए वर्ब आएगा, जिसके लिए वर्ब आएगा वही बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पे आर किसके लिए आया है, वी के लिए, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो बताइए क्या ये डूअर है, क्या सीखने वाला वी है, यस, जो लर्न कर रहा है वही क्या है, वही डूअर है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठ गया है, डूअर, डूअर और जब सब्जेक्ट के स्थान पे डूअर हो तो वाक्य क्या बन जाता है, एक्टिव, एक्टिव और एक्टिव बन जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग, इसमें सब्जेक्ट कौन, राधा, और राधा सब्जेक्ट है तो बताइए यहां पे डूअर कौन है। बहुत ही सुंदर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा हुआ है कौन, डूअर, और ये दोनों वाक्य क्या है, एक्टिव, एक्टिव और काफी जगह कहीं बैठ जाइए आप। अब रही बात पैसिव वाक्य क्या होगा, तो अगर वर्ब पैसिव फॉर्म में होगा, अगर वर्ब क्या होगा, पैसिव फॉर्म में, तो वर्ब अगर पैसिव में होगा तो सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट का हिंदी बताना क्या होता है, उद्देश्य। बहुत ही सुंदर, और उद्देश्य को शायद ऐसे ही लिखते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य होता है,
और इस उद्देश्य के स्थान पे जब डूअर आ जाए या फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, अब आप बताएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे मैं क्या रखूं कि ये पैसिव बन जाए। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होना चाहिए, यानी कि डूअर नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पे कर्ता नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, वर्ब पैसिव कहलाएगा। और वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए, बी प्लस वर्ब की, बहुत ही सुंदर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या करें, साइड, कोई नहीं, कोई तो मैसेज कर ही रहा होगा, पता नहीं, मैं आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन पे, अच्छी बात है। देखिए आप मैसेज पे मत जाइएगा, मैसेज तो यूट्यूब पे जो मैसेज होता है वो मन का भरास होता है, मन की बात नहीं, मन का भरास है, जो इच्छा है आप बोल सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं बात को आत्मसात कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, जो अच्छा लगता है, बाकी आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो रोकिए मत, उनको मन की बात करने दीजिए, मन की भरास निकालने दीजिए, और आप मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर, वर्ब पैसिव में तब कहलाएगा जब सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब अपने किस रूप में होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो समझ जाइएगा कि वर्ब क्या है, ये पैसिव होगा। एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम, समोसा खाए, समोसा भी खाएंगे अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति कि जितना मैं सोच के आया हूं मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने में अगर पूरा पूरा अगर सपोर्ट मिला, सपोर्ट हमेशा मिलता है, मिल ही रहा है, अगर हमने लक्ष्य को प्राप्त किया तो समोसा का मैंने आदेश दे रखा है, आ जाएगा समोसा, इसलिए बहुत सारे दोस्त अपने दोस्त को लेके आए हैं, देखिएगा लिखा हुआ है आई टीच इंग्लिश, आई टीच, इसमें मुन्नी सब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश या आई, आई, क्योंकि शी होता तो लिखते टीचेज, क्या लिखते, शी टीचेज, तो जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा वही उस वाक्य का क्या बनेगा। अब पता करना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे डूअर है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो पता चला ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये डूअर है, यानी ये वाक्य पैसिव है या एक्टिव, ये वाक्य एक्टिव निकला, तो आइए इसका पैसिव बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ तो ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहचानना भी बताएंगे आपको, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के स्थान पे डूअर था, अब क्या कर देना, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लिखना, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश, इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। अब देखिए हमने इंग्लिश लिख दिया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, इंग्लिश आ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, अब हमने कहा था जो वर्ब होगा
वो वर्ब होगा बी प्लस वर्ब की, कहां चला गया? यस, अब हमने कहा था आपसे कि जो वर्ब होगा वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, और आप सब टेंस में पढ़ चुके हैं, और जो 4 to 6 वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने बी के बारे में कल बताया है कि बी के कई रूप होते हैं। उससे पहला रूप है इज एम आर, दूसरा रूप है वाज वर, तीसरा बी डबल ई एन, एंड चौथा बीइंग है। अब जानते हैं सब लोग, तो ये जो बी है ना बी टीच का, तो क्या हो जाएगा टीच का, हम क्या कर देंगे डॉट। अब ये बी कैसे बदलेगा, तो ध्यान रखिएगा, बी जो बदलता है वो मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा, मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा, अगर मेन वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है तो बी का भी कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा, बी का भी सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहां पे टीच मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे हम लिखेंगे इंग्लिश, और चूंकि ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश इज लिखेंगे, इंग्लिश के मुताबिक आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इज, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज टीच्ड नहीं टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब देखो, अब ये इंग्लिश आ गया, वर्ब को हमने तब्दील कर दिया इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बच गया बेचारा आई। अब इस आई को भी इसी सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट पोजीशन पे रखना है, तो अब आई को कहां कैसे रखें हम, तो इसके लिए क्या होता है, हम सब जानते हैं कि आई क्या है, डूअर। आई क्या है, आई डूअर है, जिसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो हमें इसके लिए एक प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन इसलिए चाहिए ताकि प्रेपोजिशन रिश्ता बनाने का काम करता है। तो इस शब्द का जो अब अलग थलग हुआ है, हमने इसका भी काम तमाम कर दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने इसको भी कहां बैठा दिया, सब्जेक्ट पे, अब ये बच गया आई। अब आई को हम सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते इंग्लिश टॉट आई, गलत हो जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा एक प्रेपोजिशन बाय, और उसके बाद जब प्रेपोजिशन बाय आ गया तो फिर बाई के बाद क्या जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस केस में होता है, प्रेपोजिशन का केस किस केस में, ऑब्जेक्ट किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये प्रेपोजिशन बदलता है, ये प्रेपोजिशन बदलेगा, कभी बाई आ जाएगा, कभी विद आ जाएगा, कभी एट आ जाएगा, कभी इन आ जाएगा, क्योंकि हर वर्ब हमेशा बाई ही प्रेपोजिशन ले, ये जरूरी नहीं है। जैसे नो वर्ब है, नो के साथ बाई नहीं, नो के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई नो यू, आइए इसको बना के देखते हैं, आई नो यू, आई नो यू, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे यू। अब ये नो है ना, नो यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को स्वामी जी, यानी जब वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर कोई तीनों में से कोई एक आएगा, अब इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आर लिख दिया और इसको तब्दील कर देना है, तो यू आर नोन। अब एक प्रेपोजिशन के जरिए हमें इसको रिलेट करना है इस सेंटेंस से, तो नोन के साथ, नो के साथ बाई नहीं, हम टू का इस्तेमाल, और फिर लिखेंगे मी, यू आर नोन टू मी। तो हमें यह भी दिमाग में रखना है कि हमेशा मिस्टर बॉडी बिल्डर, हमेशा सिर्फ बाई ही नहीं आता है, टू भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, और ऐसे दो चार 15-20-25 वर्ब हैं जो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेना है, और बाकी हर जगह क्या लगाना है, बाय 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 और बाय। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वो कौन क्या कमेंट कर रहा है, इसी का मुझे डर रहता है कि
निश्चित रूप से कोई बच्चा है, गलत नाम बदनाम मत कीजिए आप लोग ऐसे। ध्यान दीजिएगा इधर, तो आपने देखा ये क्या बन गया, ये पैसिव बन गया। ध्यान रखिएगा पैसिव का मतलब क्या होता है, बी प्लस वर्ब की, जैसे ठंडा बोले तो, ठंडा बोले तो, उसी प्रकार पैसिव बोले तो बी प्लस वर्ब की, बी प्लस वर्ब की, बी प्लस वर्ब की, बहुत ही सुंदर। और क्वेश्चन टैग बोले तो ए बी एस, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऑक्सिलियरी वर्ब, बी फॉर बैलेंस, बड़ा एप्पल नहीं बड़ा एप्पल, एन एस फॉर सबका एप्पल, एस फॉर सब्जेक्ट। और जैसे क्वेश्चन टैग आपने बस इन्हीं तीन लेटर में आपने सीख लिया ए बी एस, उसी प्रकार पैसिव वॉइस है बी प्लस वर्ब की, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बी अपना रूप बदलता है मेन वर्ब के रूप फॉर्म के। मान लीजिए यहां पे नो के जगह क्या लिखते हैं हम, नो के जगह यहां पे न्यू होता, नो के जगह न्यू होता तो आर की जगह वर होता, आर की जगह वर होता। भाई अब जानते हैं इन्होंने 100 रुपये भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपये के लिए इन्होंने। उन्हें 100 रुपया दिया है पढ़ने के लिए, और ये जिस बैंक से दिया है ये चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। एक पल के तो मैं खुश हो गया था, 100 रुपया आया 10 बच्चों का समोसा आया, लेकिन फिर भी चलिए आपने कुछ ना कुछ तो खर्च किया है। मैंने लिखा है कि वो मिली भी तो क्या मिली, बनके बेवफा मिली, इतने तो मेरे गुनाह ना थे जितनी मुझे सजा मिली। एक आखिरी मुजाहिरा पेश करता हूं। जनाजा मेरा उठ रहा था, गौर फरमाइएगा, जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उनको आने में, जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उनको आने में, बेवफा घर में बैठ पूछ रही थी और कितनी देर है उसको दफनाने में। बहुत अच्छी बात, ये मर के भी मर नहीं पाए, ये यही सोच रहे हैं कि वो क्या कर रही हुई घर में बैठकर। बहुत बढ़िया, सारा दर्द इधर ही जमा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक डूअर होगा,
और डूअर के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस मेन वर्ब होगा और उसके बाद फिर नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट होगा और ये डूअर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा और इसको पैसिव में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है हम सब जानते कहां पे आ जाएगा, वो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन बन के आ जाएगा। ये अब सब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के स्थान पे बैठ गया और अब ऑक्सिलियरी वर्ब है तो ऑक्सिलियरी वर्ब भी आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर मेन वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, बी प्लस वर्ब की, सिर्फ थर्ड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब बोले तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब। बहुत ही सुंदर। अब देखिए शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्चा होता है, अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। शादी का मतलब सबूत ये होता है कि हम सिंदूर दान करते हैं, सिंदूर दान होते ही शादीशुदा महिला हो जाती हैं। तो ये बी वर्ब है ना, वो सिंदूर है, बदलता रहता है, कभी लाल कभी पीला कभी काला कभी नीला, काला नहीं आता है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तीन तीन बच्चे, वर्ब मतलब क्या हुआ, तीन तीन बच्चे, अच्छी बात है। तो जब एक्टिव से पैसिव हो गए आप, तो आपको क्या चाहिए, बी भी चाहिए और बच्चे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी मतलब बीबी और वर्ड की थर्ड फॉर्म मतलब, क्या बात। ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन ऑक्सिलियरी वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या जाएगा, प्रेपोजिशन आएगा, जिस प्रेपोजिशन पे मैक्सिमम टाइम्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बाई का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो वहां पे डूअर था वो यहां पे आ जाएगा और ये पैसिव बनकर तैयार हो गया। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव करने का और एग्जाम में पैसिव से एक्टिव भी आता है। शुभ नाम क्या है आपका, दीपांशु जी, साहिल जी, आपका नाम दीपांशु है, हाँ मैं समझ गया। तो साहिल जी मैं ये पूछ रहा था कि आप बहुत ही आ नहीं रहे थे, इतने दिन से तो आ नहीं रहे थे और ये बेचारे बड़ी मुश्किल से पढ़ने आए हैं, तो इनको सहयोग कीजिए, मारपीट करके ही अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दीजिए इनको, बड़े दिन बाद, मुझे लगता है कि आप महीना डेढ़ दो महीने बाद आए हैं, आप बीमार हो गए थे बहुत। आइए देखते हैं, वी आर हेल्पिंग द पुअर, वी आर हेल्पिंग द पुअर, वी आर हेल्पिंग द पुअर। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यूट्यूब वाले बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे आज क्लास में नहीं आ पाए हैं, और बेल आइकन भी दबाइए ऐसे करके। ध्यान दीजिएगा, वी आर हेल्पिंग द पुअर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, वी सब्जेक्ट हुआ,
ये ऑक्सिलियरी वर्ब और ये मेन वर्ब, ये ऑक्सिलियरी और ये मेन वर्ब, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। कोई नहीं बोलेगा, आप मुन्नी से पूछते हैं अब इसको बताइए कैसे कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखे, कोई नहीं बोले ऑब्जेक्ट द पुअर, बहुत ही सुंदर, द पुअर हमारा बन गया अब क्या सब्जेक्ट बन गया। और हम सब जानते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बनता है, और जब प्लूरल नाउन बनेगा तो ऑक्सिलियरी वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल ही आएगा। तो द पुअर ऑक्सिलियरी क्या है, आर, तो आर आ जाएगा यहां पे। और देखिए यहां पे हमने कहा था कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो तो बी भी में भी आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की बी की भी फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे हेल्पिंग है तो क्या हो जाएगा, बी में आईएनजी लग जाएगा बीइंग, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड, और फिर बाई आ जाएगा, और फिर वी का अस, क्योंकि वी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाई अस, यही तो वॉइस है, खत्म, बस। समझ में आएगी नहीं आपको, आ गया ना, थैंक गॉड। चार चार बैच के बाद पांचवा बैच, एक तो समझ में आया है, अच्छा, अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप एक बार फिर से रिकैप करते हैं यही बात है, देखिए देखिए ये फोन करके ये बुला रहा है बच्चा सबको, ध्यान दीजिएगा। हमने वॉइस के बारे में क्या लिखा है, वॉइस क्या है, वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब, वॉइस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब। एंड शाइल जी, किसी वर्ब को हम कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो प्रकार से, एक्टिव और एक्टिव, और एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, और वर्ब के स्थान पे बी प्लस वर्ब की। ये जो बी है ये हमेशा रहेगा, ये बी बिना बी के संभव ही नहीं कि पैसिव बन जाए, बी तो होना ही होना है। और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, और एक्टिव में मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वही मेन वर्ब का फॉर्म डिसाइड करेगा कि बी का फॉर्म कैसा होगा। आईएनजी तो बी में लग जाएगा आईएनजी, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, और मेन वर्ब तब्दील हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, यस yes, सही कह रहे हैं, एक्टिव का मतलब जोशीला, एक्टिव का मतलब बेनर्जेटिक, बहुत ही सुंदर, और पैसिव का मतलब ढीला, बहुत ही सुंदर। आप सब लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जैसे आप क्या सिगरेट पीती हैं आप, बहुत नहीं पीती, आप तो इस प्रकार मुस्कुराएं कि मुझे लगा कि कभी कभी, अच्छी बात। लेकिन देखिए यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, और कम से कम हमारा साहिल तो बिल्कुल नहीं पीता होगा, साहिल नहीं पीता है लेकिन दीपांशु सिगरेट पीता है, और दीपांशु सिगरेट पीता है तो साहिल जब उनके संग होते हैं तो वो भी पीते हैं, कैसे पीते हैं, वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं। पैसिव स्मोकिंग मतलब क्या हुआ कि पी कोई और रहा है, उसका स्मोक हम इंजॉय कर रहे हैं, उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। लेकिन यहां पे पैसिव का मतलब वो नहीं है, न जोशीला है, न ढीला है, न नीला है, यहां पे एक्टिव का मतलब शायद मैं हिंदी में लिख नहीं पाऊं, इसे कर्तरी नहीं, इसे कहते हैं कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य, और इसे कहते हैं कर्म वाच्य, तो मैं इसको तो लिख सकता हूं कर्म वाच्य, और इसको कर्तरी वाच्य लिखिए, ऐसे
इसको आप सही कर लीजिएगा। इसे कहते हैं कृत्य वाच्य, मतलब जिसमें कर्ता को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसे कहते हैं कर्म वाच्य, जिसमें हम कर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हिंदी में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जहां कर्म की प्रधानता पैसिव, जहां पे कर्ता की प्रधानता उसे हम एक्टिव कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग, एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। और यकीन मानिए, अगर एक्टिव वॉइस पूरा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, तो आप 20 के 20 मात्र आप 4 मिनट में बनाएंगे, मात्र 4 मिनट में। सही तो आप पूरा बनाएंगे, लेकिन समय आपका बहुत ही कम हो जाएगा। 4 मिनट में आपने नरेशन बनाया, 4 मिनट में आपने वॉइस बनाया, और ये सब संभव है मात्र एक क्लास से। अगर आप पूरा वॉइस का क्लास कर लेते हैं, और जो दिया जाएगा आपको फोटोकॉपी ग्रुप में 400-500 क्वेश्चन, उसे प्रैक्टिस हम करते हैं, तो वॉइस बहुत ही आसान हो जाएगा। और उससे भी आसान है क्या हमारा नरेशन, नरेशन और नरेशन। और ये दो नंबर का तो फिक्स नहीं है ना, दो नंबर का तो आएगा ही आएगा। दो नंबर का नरेशन और दो नंबर का नाउन से एरर आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, टेंस से आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे तो, और ये यहां भी आएगा और ये वहां भी आएगा, और ये फिर लिखने में आपको है ना तो वर्सेटाइल बना देगा। एक ही बात को आप कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। थिंग्स थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इंटू पैसिव एंड पैसिव इंटू एक्टिव। वैभव जी आज शाम में 5वीं क्लास है प्रेपोजिशन की, तो आप जरूर आइएगा, पास कर दीजिए। दीपक जी प्रेपोजिशन क्लास है 5 बजे से, आज ऑनलाइन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जप नाम जप नाम जप नाम दीजिए। अरे कभी तो असली दे दिया करो, नकली हमेशा नकली लौटा दिया करेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, क्रिस्टोफर के बच्चे इतने गरीब हैं, नहीं तो फिर हमसे नोट मांग लिया करो, अब बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा प्लीज, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू, ये दोनों प्रकार का आता है हमारे एग्जाम में। मैक्सिमम आते हैं एक्टिव से, लेकिन 2-3-4 ऐसे भी आ जाएंगे जहां पैसिव से क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है। अभी पढ़ रहा हूं, 2000 दिया आपने, 2100 सही वहां थे। देखिए ये पर्ची पढ़ने के लिए आईफोन दिया उन्होंने कि सर आप पर्ची पढ़िए और हम आपके लिए। उन्होंने लिखा है कि फोन भी दिया और प्यार का पैगाम भी भेजा है, लव यू बाबा क्रिस्टोफर उम्मा। अच्छा
अच्छा ये आपने चित्र बनाया है, क्या बात, मुझे लगा कि कुछ लिख के काट दिया आपने। ये तो बहुत ही सुंदर आपका, नहीं नहीं उम्मा लिखा उम्मा। देखिए आई पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, पैसिव से एक्टिव करेंगे, तो याद रखिएगा बाबू ने भैया सबसे बड़ा। इस दुनिया में आज का जो आउटलुक है पूरी सोसाइटी का, उस सोसाइटी में परिवार की बात करें या यार दोस्तों की बात करें, सबके बीच में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला चीज क्या बन चुका है? पैसा, पैसा और पैसा। जिस प्रकार हर संबंध का नींव पैसे से रखा जाता है आजकल, उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वह है मीनिंग। सब कुछ बदल जाए लेकिन नहीं बदलना चाहिए तो मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मतलब बदलना, फॉर्म मतलब होता है आकार। हम क्या कर रहे हैं, उसके लिखने की शैली बनावट को बदल रहे हैं, ना कि उसके मीनिंग को बदल रहे हैं। आपने गाना सुना होगा कि वक्त बदलते देखिया, किस्मत बदलते देखिया, ये बदलते देखिया, वो बदलते देखिया, लेकिन तू ना बदल जाना। ऐसा कुछ है, सब कुछ बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बदल जाए लेकिन नहीं बदलना चाहिए तो वो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एक्टिव हो या पैसिव, राम किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाई, हमने लिखने का शैली बदल दिया लेकिन दोनों ने मारा कौन? रावण ही मारा, और मारा किसने? राम ने। इंडिया इज एज ग्रेट एज रशिया, सारे रशिया के दामाद इधर ही पहुंचे हैं। ससुराल तो भाई घर में बैठे क्या कर रहे हो आप? हम कहते हैं कि नो अदर किंग इज एज ग्रेट एज अशोका, नो अदर किंग इज एज ग्रेट एज अशोका। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग, अशोका इज द, इसका मतलब यही हो गया ना कि अशोका सबसे ज्यादा महान किंग है। तो कहने का मतलब है आप उसको कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव कर दीजिए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कर दीजिए, लेकिन नहीं बदलना चाहिए तो क्या मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। हम कहते हैं कि इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक। दोनों का मतलब यही हुआ कि इसे पिया नहीं जा सकता। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो एक्टिव हो या पैसिव, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलना चाहिए तो मीनिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और उसके बाद किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है, तो ये टीवीएस पॉप, टीवीएस, टीवीएस और पीओपी, पीओपी। 2010-11 की बात थी, एक विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर कुछ ऐसा नहीं है वॉइस बढ़ा रहे हैं, तो कुछ चेकलिस्ट वगैरह आप, 2010 से मैंने शुरू किया था बढ़ाना, कुछ चेकलिस्ट वगैरह आप दे देते ताकि जब भी एक्टिव पैसिव आता तो मैं इन चार चीजों को दिमाग में रखता और फिर चेक करता कि इस ऑप्शन में ये है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। तो उस वक्त था नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला और फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग सोचा। तो सोचने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये हमारे पास कितने चीज है, छह। अगर इन छह बातों को ध्यान में आप रखते हैं तो आप हर ऑप्शन को आराम से क्या कर लेंगे, आप एलिमिनेट कर लेंगे। सबसे पहला क्या हमारा टीवीएस पॉप में, टी फॉर टेंस, तो वॉइस में टेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंस भी किस पे आधारित है? वर्ब पे। और वॉइस भी किस पे आधारित है? वर्ब। तो टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद फिर क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के बाद एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको कि सब्जेक्ट के सामने डूअर है या ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। पी फॉर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, सही प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया या नहीं किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और उसके बाद जो डूअर का जो प्लेसमेंट होता है, बाई प्लस डूअर का जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट ऑफ डूअर, यह भी बहुत बच्चों को परेशान करता है। प्लेसमेंट ऑफ
डूअर कि आखिर बाई प्लस डूअर को एडवर्ब के पहले रखूं या एडवर्ब के बाद रखूं, कहां पे रखूं, ये भी उल्टा पुल्टा करके एग्जाम में ऑप्शन क्रिएट किया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है, छह बातों को, टीवीएस और पॉप टेंस क्या सही है, इसका क्या वर्ब सही है, क्या सब्जेक्ट सही है, क्या प्रेपोजिशन सही है, क्या ऑब्जेक्ट सही है और प्लेसमेंट ऑफ डूअर सही है। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए एक एक करके समझते हैं, लेकिन टेंस से पहले समझते हैं हम किसको, वर्ब को, कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने में। तो वर्ब वॉइस के दृष्टिकोण से देखा जाए, वॉइस के दृष्टिकोण से अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब, मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्ब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक। सकर्मक मतलब क्या हुआ, जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, सकर्म मतलब जिसके साथ कर्म हो। और मनीष जी, इनट्रांजिटिव अकर्मक, जिसके साथ कर्म ना हो, नो ऑब्जेक्ट, यस। छप गया है, छप गो, आई पढ़ देते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए ना, आप लोग फिर आपका होने का क्या फायदा है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, ध्यान समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मतलब क्या हुआ, इट इज एन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, एक ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है। जिस वर्ब के अंदर, आप सब जानते हैं कि वर्ब किसके लिए आई है, सब्जेक्ट के लिए, यानी कि वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के अलावा अन्य शब्दों पे भी अपना प्रभाव रखते हैं। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो घर में भी
परिवार चलाते हैं और बाहर भी अपना संसार बना के रखते हैं। तो जो ट्रांजिटिव शब्द है ना, ट्रांस शब्द से बना, ट्रांस मतलब होता है बदलना, आगे बढ़ना, ट्रांसफर हो जाना, मतलब जिसका प्रभाव सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि जिसका प्रभाव सब्जेक्ट से भी आगे निकल गया, जो घर तक ही नहीं रहा बल्कि पड़ोस तक पहुंच गया हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वर्ब का प्रभाव जब सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्द पे जब आने लगता है तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। छप गया, देखिएगा छापने की समझाते, दो बार नहीं तीन बार समझाएंगे, चार बार समझाएंगे, तो गंडी बात है भाई। ये कौन है, क्रिस्टु? ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो अपना प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्दों पे भी रखता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाए, क्या बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। हर वर्ब सब्जेक्ट के लिए आती है, हमेशा आता रहेगा, लेकिन वर्ब जब सब्जेक्ट के अलावा अन्य शब्दों पे भी अपना प्रभाव रखने लगे, वो शब्द वो वर्ब क्या बन जाता है, वो बन जाता है ट्रांजिटिव। और ये जिस पे अपना प्रभाव रखता है इसे लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। अभी आप मुझे कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाने पे, कमेंट पे आप लोग हैं ही, युद्धवीर हमारे पास हैं ही, अग्निवीर सारे लोग हैं, वो आप जो भी कमेंट आपको लगता है कि ये मोरालिटी के खिलाफ है तो आप उसको सही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करते रहिए और मुझे इतना फ्रीडम दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ, आपको कुछ बता सकूँ। बाकी कॉमेंट करने के लिए मैं भी अगर कॉमेंट करने आ जाऊँ तो फिर आपका क्या वजूद रह जाएगा बताइए, आपके रहते मास्टर हथियार उठा लिया, तो फिर तो आप लोग अच्छे से तरीके से इसी को मैनेज कीजिए और मुझे यहाँ पे अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का एक और तरीका है। सब्जेक्ट के अलावा जिस भी शब्द पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट के अलावा जिस भी शब्द पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है वो शब्द क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब पहचाने का एक तरीका ये भी है जो आप पहले भी बता चुके हैं आपको कि व्हाट प्लस वर्ब या फिर हुम प्लस वर्ब, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। और इसका जो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट बनता है और ये दोनों वर्ब क्या बन जाते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। क्या बनेंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। छप गया है,
आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, जिस भी वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्द तक पहुंचने लगे, जिस भी वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्दों तक पहुंचने लगे, समझ जाना वो वर्ब क्या है, वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर कोई व्यक्ति घर के अलावा अपना प्यार कहीं और पहुंचाने लगे तो समझ जाना वो व्यक्ति बेवफा है। बहुत ही सुंदर। उसी प्रकार वो हर वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगा जो अपना प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्दों पे रखने लगे। और कंफ्यूजन हो पहचानने में तो व्हाट प्लस वर्ब और हुम प्लस वर्ब से गोस्वामी जी आंसर निकाल के देखना, अगर आंसर आ गया तो समझ जाना वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए इट का प्रभाव समझिए, अब इसका जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, इट का प्रभाव सब्जेक्ट पे तो होगा ही होगा, आई एम ईटिंग खाने वाला कौन, मैं। अब इट का प्रभाव जब मैं कुछ खा रहा हूं तो सिर्फ क्रिस्टोफर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ है जो कंज्यूम हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, जो खाया जा रहा है, वो क्या है। यानी इट दो तरफा प्रभाव क्रिएट करता है, सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व करता है और ऑब्जेक्ट किसी अन्य शब्द को भी इन्वॉल्व करता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पे ईटिंग का काम करने से सिर्फ आई तक ही इसका प्रभाव नहीं रहा, बल्कि मैंगो भी तो खत्म हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो सुन रहा हूं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, जब स्पीच होगा तो कुछ ना कुछ तो शब्द निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। अगर मैं कहता हूं आई एम राइटिंग तो राइटिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ न कुछ तो लिखा जाएगा, राइटिंग से प्रोड्यूस होगा कुछ न कुछ, चाहे आप गीत लिखो, संगीत लिखो, कविता लिखो, कहानी लिखो, कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। यानी राइटिंग कौन सा वर्ब बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। और पहचानने के लिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं क्या खा रहा हूं, व्हाट एम आई ईटिंग, मैंगो, इसका मतलब आंसर आया कि नहीं आया। अब आंसर आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव, ऐसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। शी इज कुकिंग समथिंग, आप देखिए जब आप कुक करेंगे तो कुछ तो कुछ तो पकेगा, निश्चित रूप से कुक ऐसे संभव नहीं है। और आंसर निकालिए, व्हाट इज, क्या कुक हो रहा है, तो समथिंग, यानी कि ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब। सनी खिलौने इज गोइंग टू युगांडा,
मुन्नी हु नहीं कहा मैंने, व्हाट और हुम, व्हाट मतलब क्या और हुम मतलब किसको, नहीं आ रहा आंसर। और देखिए गोइंग का प्रभाव, मैंने कहा ना ट्रांजिटिव होगा तो सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्द पे प्रभाव होगा ही होगा, तो गोइंग का प्रभाव क्या युगंडा पे है दिबगी, बताइए बताइए युगंडा पे है क्या, वेर का जवाब दे रहा है, बहुत अच्छी बात। यानी कहने का मतलब है कि गोइंग का प्रभाव युगंडा पे, तो कुछ लोग कहते होंगे सर प्रभाव कैसे नहीं है, युगंडा तो हम सनी जा रही, युगंडा तो प्रभाव तो बढ़ ही रहा उधर, नहीं है ना। अगर देखिए इसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अब गोइंग का प्रभाव, गोइंग का प्रभाव क्या होता है, गोइंग मतलब होता है जाना, तो गोइंग का प्रभाव तभी माना जाएगा जब युगंडा भी कहीं जा रहा होगा। तो युगंडा कहां जा रहा है, जाने का प्रभाव तो बस शनि तक ही सीमित है कि जाने का काम कौन कर रही है, शनि बस, और गो कहीं कोई प्रभाव क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर गो पे प्रभाव होता युगंडा पे तो निश्चित रूप से युगंडा भी जा, जैसे सनी सनी एंड हनी, सनी एंड हनी आर गोइंग, तो सनी पे भी गोइंग का प्रभाव और हनी पे भी गोइंग का प्रभाव, दोनों पे प्रभाव माना जाएगा। लेकिन ये जो एंडा पे तो है नहीं प्रभाव, नहीं है, इसका मतलब ये गो क्या बन गया, इंट्राजिटिव। और वाटर हुम से आंसर निकालो तो ही मुनि नहीं आ रहा है, क्या जा रही है, किसको जा रही है, नो आंसर। इसका मतलब गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। हनी प्रीत इज स्लीपिंग ऑन द ग्रास, अब यहां पे स्लीपिंग क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो क्या स्लीपिंग का प्रभाव घास पे नहीं है। शुभ नाम क्या आपका, प्रवीण जी कहते हैं बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि जो हनी प्रीत सो रही है तो घास दब तो रहा है, ये बहुत ही सुंदर, यानी सोने का मतलब घास दबाना होता है, नहीं। एक चीज बताइए कि इन्होंने कहा कि स्लिपिंग पे घास, घास पे स्लिपिंग का प्रभाव है, यानी स्लिप मतलब क्या होता है, नींद आना, नींद आना होता है, तो क्या घास को भी नींद आ रही है। अरे स्लिप का प्रभाव तो तभी माना जाएगा ना जब उसको नींद आए, जैसे प्रवीण जी मैं आपको कहता हूं आप पे आश्रम का प्रभाव है, तो क्या आप विवेकानंद के जैसे बात करेंगे या आसाराम की तरह ही बात करेंगे आप, जिस पे जिसका प्रभाव होगा। तो स्लिप मतलब होता है सोना, तो सोना सोने का प्रभाव तो सिर्फ बाबू पे, हनीप्रीत पे ही है, घास नहीं सो रही है, घास पे इसका प्रभाव नहीं है। और आंसर निकाल के देखिए, हनीप्रीत क्या सो रही है, हनीप्रीत किसको सो रही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही है, हनीप्रीत क्या सो रही है, हनीप्रीत किसको सो रही है, नो आंसर। इसका मतलब ये क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अभी पर्ची पढ़ रहे हैं तो आप देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, जिसका प्रभाव सब्जेक्ट के अलावा अन्य शब्दों पे भी होता है, और जो अन्य शब्द होता है दुनिया उसी को क्या कहती है, पड़ोसन कहती है, उसी को ऑब्जेक्ट कहती है। और इस प्रकार से आप ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इन मतलब होता है नॉट, इन मतलब क्या होता है, जिसका प्रभाव आगे ना जाए, इन मतलब नॉट, और ट्रांस मतलब होता है बढ़ना, तो इंट्रांजिटिव मतलब हो गया अकर्मक, अकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब।
तो ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब नहीं होता है। इस वर्ब का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित रहता है, बस सब्जेक्ट। ये इसका प्रभाव आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता है, इसका प्रभाव आगे नहीं होता है, और ये कोई नाउन प्रनाउन के रूप में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। वे कहता मेरी दुनिया तो बस तू ही है, तेरे आगे न कुछ था न तेरे पाछे कुछ कभी होगा, नहीं है? आगे भी था और पाछे भी था। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पढ़ती लिखा है कि चूंकि 2100 रुपया भेजा तो पढ़ना लाजमी है, तब तक छापिए आप कि मत रख हमसे वफा की उम्मीद ए सनम, हमने हर दम बेवफाई पाई है, मत ढूंढ हमारे जिस्म के जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सारा जख्म दिल पे ही लेते हैं। छप गए, आइए देखिए समझते हैं इसे हम लोग। काम करीम डाइड, वी कैन रन, अब देखिए यहां पे जो डाई शब्द है, डाई का प्रभाव अगर मैं यहां पे ऐसे भी लिख देता हूं कि काम करीम डाइड लास्ट नाइट, तो आप पाएंगे कि ये जो डाई शब्द है इसका प्रभाव बस कहां तक सीमित है, काम करीन तक बस। और रन है, रन का संबंध किससे है, वी से है। रन अपना प्रभाव किसी और शब्द पे नहीं डाल रहा है। हां फास्ट और वेरी का प्रभाव रन पे है, लेकिन रन का प्रभाव फास्ट और वेरी पे नहीं है। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी आर फ्लाइंग इन द स्काई, वी आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब आप फ्लाई कर रहे हो तो स्काई थोड़ी फ्लाई कर रहा है, वी आर फ्लाइंग इन द स्काई। यहां पे ये बन गया इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव। और व्हाट या हुम, व्हाट या हुम प्लस वर्ब, अगर नो आंसर, कोई आंसर नहीं है, तो समझ जाइए क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा।
छप गया है। अब देखिए आंसर देखेंगे, व्हाट डाइड, काम करीम क्या मर गया, काम करीम किसको मर गया, कोई आंसर नहीं है। हम लोग क्या दौड़ सकते हैं, हम लोग किसको दौड़ सकते हैं, कोई आंसर नहीं है। हम लोग क्या फ्लाई कर रहे हैं, हम लोग किसको फ्लाई कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं है। यानी ये बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तो ये ऑन कर दे इसको, बाकी तो आ रहा हूं वहां पर शायद वहां से। वो बोला एसी ऑन कर दीजिए वहां पे, वो एसी हाँ वहां से ही हो जाएगा। यस, बहुत ही सुंदर, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जानने का क्या मतलब है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, तो इंट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एग्जाम में क्या करेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बनाकर आपको दे देगा, फिर वो गलत हो जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एक चीज और जानना है आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार का होगा, डाई और मोनो। डाई ट्रांजिटिव वर्ब और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो नहीं मोनो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो मतलब हो गया सिंगल, यस। मतलब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, इसके ऑब्जेक्ट जो होंगे, डाई ट्रांजिटिव जो होंगे इसके ऑब्जेक्ट होंगे दो, ऑब्जेक्ट होंगे दो, तो एक को कहती है दुनिया डायरेक्ट और एक को कहती है दुनिया इनडायरेक्ट। और मोनो में सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले। कमेंट कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए। शेयर भी कर दिया आपने, बहुत सारे बच्चे वाईफाई इनके पास अभी होगा नहीं, लाइब्रेरी में जाके ही वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। यहां भी है, डाटा है या डेटा है? छप गया, छप गया है। देखिए अब ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव बनेगा और दो ऑब्जेक्ट हो गया तो दो पैसिव बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बेहतर किसका माना जाता है, मान लीजिए एक सेंटेंस आया दीपांशु जी, एक सेंटेंस है और सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो साहिल जी बताइए पैसिव बनाएंगे बेहतर कौन माना जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यस, हमारे साहिल जी बहुत ही सभ्य बच्चा है, ये इनडायरेक्ट मतलब ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट शादी नहीं करेंगे बल्कि इनडायरेक्ट, बीच में मम्मी पापा का होना जरूरी है। वेरी गुड, हम इनडायरेक्ट को ही सही मानेंगे। अब कैसे पहचानेंगे, सवाल ये उठता है मास्टर जी, पहचानेंगे कैसे कि कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट है? जो डायरेक्ट होगा उसकी पहचान व्हाट प्लस वर्ब से होगी, व्हाट प्लस वर्ब से डायरेक्ट और हुम प्लस वर्ब से इनडायरेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा इसका पैसिव ही बेहतर माना जाएगा, दोनों आएगा, डायरेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा, इनडायरेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा, और आपको बेहतर मानना है किसको,
होम प्लस वर्ब वाले का जो आंसर आएगा वही बनेगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसी को हम बेहतर मानेंगे पैसिव बनाने में। और एग्जाम में हजारों बार आ चुका है, जानकारी नहीं होने के चक्कर में हम गलती कर जाते हैं। छप गया आप सब लोगों का एग्जाम्पल, लिखते हैं छप गया छापी छापी है। आ रहे हैं समस्या आ रहे हैं, बात हो गई आ ही जाएंगे, 8 साल में 15 लाख नहीं आए हैं लेकिन समोसे आएंगे। छप गया अभी समोसा आएंगे, क्लास के अंत में आएगा समोसा, आप पेशेंस बनाए रखिए। अभी मैं बोलूंगा सारे बच्चे को फोन करके बुला लेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाश्ता करना नहीं घर में, इधर ही कर लेते हैं। देखिए, शी हैज गिवन मी अ रोज, शी हैज गिवन मी अ रोज, सब क्या है? शी हैज गिवन मी अ रोज। अब देखिए यहां पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, व्हाट प्लस वर्ब, व्हाट प्लस वर्ब आंसर क्या आएगा, क्या व्हाट हैज गिवन मी अ रोज, वेरी गुड, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम प्लस वर्ब, हुम प्लस किसको रोज दी, क्या जाएगा मी, ये बन जाएगा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाना हो तो हम इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है भले ही डायरेक्ट है, और इससे भी बना सकते हैं पैसिव। आइए पहले बनाते हैं डायरेक्ट से और रोज। अब यहां पे देखिए हैज गिवन है ना, तो हैज तो लिखेंगे लिखेंगे, और रोज हैज, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी का भी कौन सा फॉर्म आएगा, तो अ रोज हैज बिन, और बिन के बाद गिवन, गिवन टू मी भी सही है और मी भी सही है, गिवन मी बाय हर बनके तैयार, अ रोज हैज बिन गिवन मी या गिवन टू मी बाई हर। और अब बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या हो गया, बाथरूम से नहीं निकल रहा है क्या, आ गया आ गया आ गया, थोड़ा इत्मीनान से वहां भी जीने दो बच्चों को। आई आ जाएगा, ऑक्सिलरी क्या है, हैज, हैज का क्या हो जाएगा, आई हैव,
और फिर क्या आ जाएगा बिन, आई हैव बिन, उसके बाद फिर क्या आएगा गिवन, और गिवन के बाद क्या आएगा अ रोज बाई हर। अभी दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में ऑप्शन में आएंगे, आप बेहतर मानेंगे किसको, क्योंकि हम सब्जेक्ट के स्थान पे पर्सन को रखेंगे, पर्सन, ये पर्सन नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पे हम पर्सन को रखना बेहतर मानते हैं। मैंने शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने कई बार चिक चिक के कहा कि गिवन मी भी सही और गिवन टू मी भी सही है, टू ओमिटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम बताते जाएंगे कहां पे टू आएगा कहां पे नहीं आएगा। ऐसा ना कि एग्जाम में आप नहीं देखिए एरर मान लीजिए और देखिए तो भी एरर मान लीजिए, जानकारी होना जरूरी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा आप इनडायरेक्ट वाले को बेहतर मानेंगे। कभी कभी मान लीजिए ऐसा एग्जाम में आ गया, एग्जाम में ऐसा आ गया कि आई हैव गिव आ गया, आई हैव बिन गिव और रोज बाई हर और अरोज हैज बिन गिवन मी बाई हर, बेहतर किसको मानेंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो गया, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए तभी हम इसको बेहतर मानेंगे। ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और फिर भी आप उसको बेहतर मान रहे हो, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है और उसमें अगर चुनाव करना हो तो हम बेहतर मानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को। छप गया ना, तो जो वर्ब हमारे पास है वो दो प्रकार का हुआ, कौन कौन, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा क्योंकि इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, और इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है, ऐसे जनरली हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, जहां इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं गो, गो देयर, कम हेयर, इसका पैसिव बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है गो कम, लेकिन अब इंपरेटिव सेंटेंस हो गया तो कहेंगे गो देयर तो बनेगा यू आर ordered to go there, come here, you are ordered to, तो कुछ sentence structures हैं जहां intransitive का भी हम passive बनाते हैं, तो वो जो जो स्थिति है कहां कहां intransitive verb का भी passive बन सकता है वो सब हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन ऐसे object ही नहीं है तो passive आप क्या बनाएंगे, जैसे कहते हैं राम goes to temple, क्या बनेगा passive इसका, राम goes to temple, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि गोज इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो उसको उठा के हम सब्जेक्ट के स्थान पे बैठाते, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर इसका पैसिव नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम में ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो क्लाउज है जो हुआ है, और एक क्लाउज में ट्रांजिटिव और दूसरे क्लाउज में इनट्रांजिटिव है, तो इनट्रांजिटिव वाले का पैसिव भूल से भी आप मत बनाना क्योंकि बनेगा नहीं, एग्जाम में बनाकर ऑप्शन देगा जो कि बिल्कुल गलत होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में भी कई प्रकार के वर्ब होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं डाई और मोनो, डाई जो दो दो ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, एक को डायरेक्ट एक को हम इनडायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट से हम बेहतर बनाना नहीं मानते हैं, हम मानते हैं किससे, इनडायरेक्ट से, और बनता है दोनों, दोनों सही है, बिल्कुल कॉमन एरर में आ जाए तो इसे एरर हम नहीं मानेंगे। ये वर्ब के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं यस सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट की पहचान किससे करेंगे हम, तो सब्जेक्ट की पहचान भी व्हाट से होती है, व्हाट या फिर हु से, हु प्लस वर्ब, ये भी क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव सेंटेंस हो तो डूअर आ जाता है कहां पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो सब्जेक्ट को आप अगर आप कंफ्यूज है तो व्हाट और हु से भी आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं कि इस वक्त का सब्जेक्ट कौन है। और रही बात ऑब्जेक्ट की पहचान,
तो ऑब्जेक्ट को भी मैं यही बताना चाहूंगा, और सही कह रहे हैं, व्हाट या फिर हुम से, हु से नहीं, प्लस वर्ब से जो आंसर आता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। और यही ऑब्जेक्ट उठ के कहां चला जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे, कहां, पैसिव वॉइस में। वॉइस का जो 100 क्वेश्चन का जो पेज है संदीप, वॉइस का लेके आ, जो जो पहले करवाते हैं, समझो तो आएंगे, समझो ठंडे हो जाएंगे, अभी आएंगे तो। अभी तो क्लास हमारी 1 बजे तक मिनिमम चलेगी, 1 से 1.5 बजे तक, 2 बजे से मुझे यूट्यूब पे भी आना है, और उस टीचर से जो आ रहे हैं उनसे ही मिलना है। समझ से मंगवाएंगे, क्यों नहीं मंगवाएंगे, अरे समोसे खाएंगे खाएंगे और खाएंगे, कसम इस कलम की समोसे हम खाएंगे। आलोक कुमार जी, मैं जानता हूं कि जितने बच्चे अनअकैडमी मुझसे जुड़े मेरे लिए ही जुड़े, और मैं छोड़कर नहीं चला गया, भगा दिया गया मुझे वहां से। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप मेरे सारे बच्चों को मैंने बोल रखा है, जितने बच्चे अनअकैडमी से पे मुझसे जुड़े हैं, सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8801010202 पे, आप जो यू कैन कोड के जरिए जो आप जुड़े थे, यू कैन कोड के जरिए वो सारे बच्चे, आप देखिए वहां पे लिखा भी हुआ है कि आलोक कॉल 8801010102, और आप अपना उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, यू कैन कोड का इन वॉइस आता है अनअकैडमी का। आप बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जितने बच्चे थे मुझे लगता है कि 2-4-10 बच्चे बचे होंगे, सारे बच्चों को कॉल करके हमने उन्हें फ्री एक्सेस दे दिया है 4 to 6 वाले बैच में, जो बच्चे बच्चे उनको 9 to 11 वाले बैच में दे रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि मैं, आप मेरे लिए जुड़े 100% हमारे लिए आए थे वहां पे, आप तो आप हमारे ऐप से जुड़िए, और अच्छे तरीके से हर लेवल पे अनअकैडमी तो बहुत सारी बाध्यताएं थी जो मैं चाहकर भी वो फ्री स्टाइल में अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता था, पहुंचा पाया, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो बोर्ड पे होना चाहिए, फोटोकॉपी या एक्सरसाइज, सारी चीजें जो ऑफलाइन में दिया जाता है सेम चीज आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन दिया जाएगा। तो आप आ जाइए, और आपके जो भी यार दोस्त हैं जो यू कैन कोड के जरिए जुड़े हैं उनको भी ये नंबर दे दीजिएगा, आपके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। छप गया, छप गया, देखिएगा। नहीं लिखा हो, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, इतना बड़ा पेज, एक एक करके दो ना वैसे इकट्ठी दे देते हो। ये तो प्रिंट आउट है, ये करवा दो। अभी हम जो पढ़ेंगे उस पर आधारित 104 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऑप्शन के साथ, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 104 क्वेश्चन। तो आप कल जब लौट के आएंगे सेम टाइम सेम जगह, तो उसे बनाकर आप लाइएगा। करें कल भी आना है, ऐसे वॉइस नहीं हो पाएगा, तो फिर कम से कम 2 दिन अगर लगातार नहीं आएंगे तो वॉइस नहीं सीख पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। तो जो नहीं आएंगे अच्छी बात है, उनके लिए यूट्यूब तो है ही, आप वहां पर देख लीजिएगा, लेकिन फोटो कॉपी नहीं मिलेगा। देखिएगा, वी आर राइटिंग, हु इज राइटिंग, हु इज राइटिंग, वी, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन, व्हाट इज एन आर्ट, यानी व्हाट और हुम से जो
व्हाट और हु से जो ढूंढा जाएगा वो क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। और व्हाट और हुम के जरिए जब ढूंढेंगे, जैसे हम लिखते हैं कि यहां पे वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट तो वी है क्योंकि आर का संबंध किससे है, वी से है। व्हाट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आप व्हाट से सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को ढूंढिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है और उसके बाद फिर हम क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, वाटर। आप लोग जो बोलते हैं ना वो डायरेक्ट मेरे मुंह में आ जाता है। ऐसे एक बच्चा बैठा हुआ था, कुछ बोल दिया और मेरे मुंह में आ गया, जो हमें भी अच्छा नहीं लगे क्या बोल दिया मैंने। तो वी आर राइटिंग, हम लोग क्या, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। आई मेट शीला, आई मेट शीला। अब हु मेट आई एंड किसको मिला, हुम, हुम मेट किसको, यानी ये क्या बन गई, ऑब्जेक्ट और ये बन गया सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इस प्रकार आइडेंटिफाई करके और फिर सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को डालना है और डूअर को बाय प्लस डूअर के स्थान पे डाल देना है। तो ये टीवीएस में था, वी फॉर वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। आइए बात करते हैं टी फॉर टेंस, टी फॉर टेंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉइस एंड टेंस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बताएंगे कि साहिल जी तक पहुंचते हैं, साहिल जी टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं, प्रकार। बहुत ही सुंदर, साहिल जी कह रहे हैं कि सर टेंस के चार एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट सिंपल, दूसरा दीपांशु प्रोग्रेसिव, तीसरा चंदू परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों इन चारों एस्पेक्ट का टेंस बनेगा, नहीं। मतलब ध्यान दीजिएगा, वॉइस बनेगा, नहीं। अब देखेंगे जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, बताइए, यस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, देखते हैं कौन सही बोल पाता है, ये बिल्कुल बनेगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अरे बाबा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, नहीं बनेगा, आई बताता हूं। बनेगा, बनेगा, बताते हैं आपको। सिंपल पास्ट का बनेगा, यस बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। पास्ट परफेक्ट का बनेगा, बनेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। अभी देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। पीछे क्या करे, यही लिख लो, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। सारे महामहिला महापुरुष इधर ही पहुंचे हैं।
पढ़ते हैं अच्छा लगे छप गया अभिलाषा कुमारी जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अरे क्या गुड मॉर्निंग क्या गुड इवनिंग सबसे अच्छा अपना राम राम सांझ आती है और सुबह आती है चली जाती है एक राम ही है जिसमें सांझ भी है सुबह भी है संध्या भी है और सब में वो उसी में सब टिका हुआ है तो अभिलाषा जी को राम राम सीते सीते राधे राधे छप गया सिंपल फ्यूचर हाँ नहीं पढ़ा है तो बताएंगे भी नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका बनेगा बनेगा तो सबका बना दो तब तो फ्यूचर परफेक्ट पूरा तो दिखना ही पड़ेगा ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका ही बनेगा बोले मास्टर पकड़ा गया ये गलत पढ़ा रहा है ये लाइक करना सब्सक्राइब करना रवि यादव जी दानिश जी नितिन उत्कर्ष जी घंटी बजाना केशव शर्मा जी बिल्कुल ना भूले ऑफलाइन बैच केशव शर्मा जी मुखर्जी नगर में है अपना मुखर्जी नगर अब ध्यान दीजिएगा सब छप गया है ना अब देखिए इसका हम नहीं बनाते हैं कहां चला गया इसका हम नहीं बनाते हैं तो कितने कट गए तीन और इसका भी हम नहीं बनाते हम नहीं बनाते हैं इसलिए नहीं बनाते हैं कि नहीं बनता है नहीं हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका कोई यूसेज नहीं है कोई इस्तेमाल नहीं है और जो इस्तेमाल नहीं है तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं है तो फिर हम उसको बनाकर क्या करेंगे इसलिए नहीं कि हमारे पास पूछ नहीं हुआ करता था हमारे पास पूछ यहां पर हुआ करता था पहले क्योंकि पहले हमारे पास इसका इस्तेमाल भी था और न जाने मनुष्यों को क्या सोचा इस्तेमाल करना बंद कर दिया जब इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे ये आना भी बंद हो गया लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये होता तो मुझे तो बहुत आनंद मिलता मैं इधर पढ़ा भी रहा होता और इधर हमारा बोर्ड भी साफ हो रहा होता तो फिर समय बचता कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो कुछ के जरिए आशीर्वाद दे दिया जाता लेकिन देखिए जैसे यहां पे एक सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता मैं बताता हूं कैसे बनता है जैसे लिखा हुआ है डूअर है आप ये समझिएगा जैसे डूअर आ गया डूअर के बाद हैज हैव आ जाएगा नहीं फ्यूचर परफेक्ट सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस की बात मैं कर रहा हूं हैज हैव और प्लस फिर क्या आ गया बिन आ गया और बिन के बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया और फिर क्या आ गया नाउन और प्रोनाउन जो इसका क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ध्यान दीजिए लिखिएगा मत सुनिएगा अभी अब इसका कैसे नहीं बन सकता तो बनाते हैं हमें क्या सिखाया गया ऑब्जेक्ट हमें पैसिव बनाने के लिए क्या सिखाया गया है ध्यान दीजिएगा प्लीज कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहां पर डाल दो तो नाउन प्रोनाउन को आपने कहां पर डाल दिया सब्जेक्ट के स्थान पे फिर कहा गया जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको लिख दीजिए आप तो आप हैज हैव बिन पूरा ऑक्सिलियरी है ना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस ये परफेक्ट का ऑक्सिलियरी और ये कंटिन्यूअस का ऑक्सिलियरी जो इज एमआर थर्ड फॉर्म में तब्दील होकर बिन बन गया तो हैज हैव
प्लस क्या आ गया, बिन आ गया। और फिर हमने कहा है मेन वर्ब को मेरे प्यारे भाई बहनों किसमें तब्दील कर देना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ थर्ड फॉर्म मत बोलो, बी प्लस वर्ब की, बी प्लस वर्ब की। अब यहां पे बी प्लस वर्ब की, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, ये बीइंग हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस डूअर। इसे मैं कहता मेरे पास अगर पूछो तो डायरेक्ट वहां पहुंचा देते, जब पूछ चाहिए ही तो छोटी क्यों चाहिए भाई, हनुमान जी का पूछा ही लगवा रहा हूं। अब देखिए बना कि नहीं बना, रूल के मुताबिक बना कि नहीं बना, बन गया बिल्कुल रूल के। लेकिन फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने लिखा हुआ देखा ही नहीं होगा आपने, फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये अगर होता भी है तो हम इसको परफेक्ट में ही तब्दील कर देते हैं। तो आगे हम बताएंगे कभी आपको, जब बताएंगे क्या अभी इसी में बताएंगे, मिसलेनियस में बताएंगे आपको ऐसे जो होते हैं उनका कैसे बनता है। अब आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, बना दीजिए पैसे, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय मी, रूल के मुताबिक तो पूरा पूरा बन गया। लेकिन सबसे बाबू ने भैया सबसे बड़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर है या मीनिंग है, मीनिंग है, तो मीनिंग के दृष्टिकोण से ये यूजफुल नहीं है, इसलिए हम इसका नहीं बनाते हैं। लेकिन बनेगा तो जरूर, जब रूल है, जब एक रूल से 12 बन सकते, 8 बन सकते हैं तो 4 क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन शर्त था कि इन स्ट्रक्चर में क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं है, तो पाया गया कि मीनिंगफुल नहीं है। शुभ नाम बताइए आप, प्रदीप भांजा, प्रदीप तो भाई एक एक करके हम समझते हैं। अगर डूअर आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पे और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, एक एक स्ट्रक्चर में हम समझते हैं इसे। पैसिव क्या बनेगा इसका, बनाइए आप लोग, नाउन प्रोनाउन आएगा और उसके बाद देखिएगा ये क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म, इसको लिखेंगे आवश्यकता तो नहीं, बी का फॉर्म, तो क्या आ जाएगा यहां पे, इज एम आर, और फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, डूअर आ जाएगा, और ये बनके पैसिव तैयार हो गया। गुरुजी सेटिंग करवा दो, कितनी बार बोला है कि कुछ काम आपको खुद ही करना चाहिए, मेरी आदत लग जाएगी तो हर जगह पे मुझे ढूंढोगे। अब मैं हर जगह तो नहीं आ सकता, आना भी नहीं चाहिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और समोसा बट रहा है, घंटी बजाना, इसमें इस स्ट्रक्चर में के पैसे में मुन्नी कोई दिक्कत नहीं है ना, सच्ची कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है ये। अब आइए इसी पे लिखते हैं सेंटेंस, रानी, रानी हेल्प्स एवरीवन, रानी हेल्प्स एवरीवन, मुन्ना लव्स मुन्नी, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स हैं।
और अब क्लास में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे क्लास खत्म होगी वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देख रहा हूं क्लास में सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे देख ही लेंगे, जाके देख ही लेंगे, तो उससे क्या होगा कि यूट्यूब पे देख के सब पढ़ विद्वान बन जाता तो ऑफलाइन में आने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कभी नहीं हो पाता यूट्यूब पे देखने की। वो जब टीचर के सामने नहीं पढ़ रहे हैं तो घर में इतने हम सिंसियर तो नहीं कि घर में बिना किसी प्रेशर में वो भी मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं। अगर इतने ही हम समझदार होते तो इस समझदारी के साथ अगर हम इस यहां इस उम्र तक पहुंचे हैं तो हम आज कहीं और होते। इसलिए यूट्यूब का चक्कर में, चलो यूट्यूब तो क्या है कि कभी कभार जैसे बच्चे जो आज नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैंने किया, लेकिन जो आए हैं वो पूरा यहीं से सीख कर जाएं, नहीं तो मन में याद आता कि नहीं नहीं हम वहां भी कर लेंगे, और वहां कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा, तो जो होगा सब यही होगा, यही सीखना है। कल भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो रानी, रानी हेल्प्स एवरीवन, रानी हेल्प्स एवरीवन। तो यहां पे देखिए क्या बनेगा इसका पैसिव, एवरीवन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, तो बन जाएगा एवरीवन इज लव्ड बाय रानी, एवरीवन इज लव्ड बाय रानी। बहुत सुंदर, एवरीवन। अब हर जगह यूट्यूब पे देखो तो यही लव लव दिख रहा है, यहां भी लव लव दिख रहा है, तो फिर एवरीवन इज हेल्प्ड बाय रानी, एवरीवन इज हेल्प्ड बाय। अब देखो आपको क्या करना, इसका बनाना मेन है, इंपॉर्टेंट ये हेल्प्स है तो इज हेल्प्ड, आर हेल्प्ड, एम हेल्प्ड, ये तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन इज एम आर के बाद हेल्प्ड जरूर आएगा, तो बन जाएगा एवरीवन इज हेल्प्ड बाय रानी। मुन्ना लव्स मुन्नी, मुन्नी इज लव्ड बाय मुन्ना, मुन्नी इज लव्ड बाय, मुन्नी इज लव्ड बाय। बहुत ही सुंदर, अच्छा लग रहा है। फिर डूअर, उसके बाद इज, समझ आ रहा है, इज एम आर, उसके बाद फिर आया वर्ब की आई एन जी फॉर्म, फिर ये आया नाउन प्रनाउन जो क्या बन गया है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आई इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बोले क्या बनेगा, नाउन प्रनाउन प्लस इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, मुनि की तो वादी नहीं आ रही है, बाई, बहुत इंदर मुन्नी, और ये बन गया पैसिव। देखिए मैं पहली बार इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट वर्ब का ही बताता था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि इसने सर पूरा स्ट्रक्चर हो तो ज्यादा समझ में आता है, तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा ये। घंटालाल इज ड्रिंकिंग समथिंग हॉट, विद्युत
ये क्या है? ओयो का बिल दिख रहा है ये। सकता सकता मुझे और आपने तो लाइफ टाइम कार्ड ले रखा है ओयो का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छप गया ये। ये किसका फोटो है? पता नहीं आप किसका किसका दे देते हैं। छप गया तो लिखा हुआ है कि शी इज वॉचिंग द फुटबॉल मैच। शी इज वॉचिंग द फुटबॉल मैच। अब यहां पे देखिए ये फुटबॉल मैच क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन गया यहां पे? सब्जेक्ट। अब इसको हमको तब्दील करना है पैसिव में। ये गंदी बात, किसी का फोन दीजिए तो बता कर दीजिए किसका दे रहे हैं। मैं तो सर बच्चे का इससे में मजाक कर रहा था। हाँ मुझे पता है, तो आपको बता के देना चाहिए ना। मैं तो बच्चा समझ के मजाक कर रहा था। लाइब्रेरी का उसमें रुद्रा लाइब्रेरी का उसमें पर्ची रखा हुआ है गंदी। आई एम वेरी सॉरी, अगर अब मुझे पता ही नहीं था कि आपका है। अगर आपका होता तो मैं किसी और रूप में मजाक करता। मुझे लगा किसी बच्चे का है इसलिए मैंने ऐसा मजाक किया। अरे इस हालात में ध्यान दे कवर, आजकल बच्चा भी क्या क्या इस्तेमाल करता है उतना। चलिए कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल इसके लिए माफी चाहेंगे जाने जाने में जो भी हुई है। लेकिन चलिए, भाई को पूरा हक है बहन के बारे में भी इस तरह का मजाक किया जा सकता है। शी इज वॉचिंग द फुटबॉल मैच। क्या बनेगा? द फुटबॉल मैच इज बींग वॉच्ड बाई हर। बहुत ही सुंदर। द फुटबॉल मैच इज बींग वॉच्ड बाई हर। घंटालाल इज ड्रिंकिंग समथिंग हॉट। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा? समथिंग हॉट इज बींग ड्रंक बाई घंटालाल। बहुत ही सुंदर। बस 10-12 स्ट्रक्चर है, बस खत्म हो जाएगा। फिर डूअर आएगा, डूअर के बाद फिर क्या होगा? हैज हैव। देखो ये इतना आसान ही आता है, लेकिन इतना आसान हमेशा नहीं आता है। लेकिन ये समझने के लिए मैं आसान आसान लिख रहा हूं। अभी जो 104 क्वेश्चन का जो पेज बटेगा, वो सारी जो आज बताएंगे 10-11-12 स्ट्रक्चर जो बताएंगे, इसी स्ट्रक्चर पे आधारित होगा और वो इससे भी आसान होगा, ऑप्शन के साथ होगा। आप उसको जरूर बनाकर लाइएगा। तो डूअर प्लस हैज हैव, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा? नाउन या प्रनाउन प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नाउन प्रनाउन जो ऑब्जेक्ट उठाएंगे मुन्नी, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज हैव, और बी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड फॉर्म बिन आ जाएगा और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, और उसके बाद बाई आएगा और प्लस वो डूअर यहां पे आ जाएगा और ये पैसिव बनकर तैयार हो गया। पीटिए पीटिए इनको पीटिए। मिस्टर गांधी
Mr. Gandhi has destroyed my homestead. Homestead का मतलब होता इलाका. विध्वंस destroy मतलब होता destroy करना, annihilate करना, नष्टभूत कर देना, decimate कर देना. Homestead का मतलब होता है इलाका. थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं. ये कितनी बार समझाया, कोई गाली दे रहा है तो आपको लेने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा है ना. तो मैं तो ले ही रहा हूं गाली. छप गए. अब देखिए, मिस्टर गांधी हैज डिस्ट्रॉयड माई होमस्टीड. ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. तो क्या बनेगा इसका? यस, वेरी गुड. माई जिसे बन रहा है जरूर बताएंगे ताकि मुझे भी लगे कि माई होम स्टीड हैज बिन डिस्ट्रॉयड Destroyed by Mr. Gandhi. और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और 636 करोड़ जीत चुके हैं. बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा पुल्टा कर देना है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है. आइए पूछते हैं मुन्नी से, क्या बनेगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने सुन लिया आपको, क्या बने बताइए. मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग गलत बनाएंगे. मैं गलत था, आपने बिल्कुल सही बनाया. ये जो पूरा का पूरा है ना, ये ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा. जो सब्जेक्ट बन जाएगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा, The man involved in his murder has been arrested by the police. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे की क्लास में ये पढ़ेंगे कि by the police लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डूअर जनरल है, ऑब्वियस है कि ये काम इसी के द्वारा ही किया जाता है. जहां पे डूअर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है वहां पे हम इसको ऑमिट कर देते हैं लिखने की आवश्यकता. अगर बाय द पुलिस भी आ जाए और विदाउट डूअर आ जाए, बेहतर मानेंगे हम विदाउट डूअर, जिसमें डूअर है ही नहीं और ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है. लेकिन आपने लिखा, लिख देते हैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल. और ये वाक्य बिल्कुल ही सही है. यह है फोर्थ नंबर.
पांच में कैसे भाई? फिर डूअर आया, और डूअर के बाद फिर आपने क्या लिखा? नाउन, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म साहिल जी, उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद न जाने क्या क्या लिखा। ये हमारा है एक्टिव, और इसका पैसिव मैं नहीं मुन्नी बनाएगी। बताइए, नाउन प्रोनाउन, और चूंकि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, तो बी क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म के मुताबिक बी हो जाएगा वाज, 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 वर, और उसके बाद फिर अब बी नहीं आएगा। हां, क्योंकि यही बी क्या बन गया? वाज, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या जाएगा? डूअर, और ये मुन्नी बनके तैयार। अरे हाँ, पैसे मुन्नी को मैं बोला मुन्नी पैसे बन के तैयार। बोलते कुछ और है आप, अर्थ कुछ और लगाते हैं आप लोग। छप गया? बिरजू किल्ड माई डक डायमंड। पहले मैं हिज लिखा के उदास हो जाएंगे, इसलिए मैंने खुद ही आप नाराज हो जाते हैं। बोले बड़ी मुश्किल से तो गर्लफ्रेंड मिली है, उसको मास्टर मरवा दिया। पटना वाले सेंटर पर भी अंकित जी समोसा बंटवाते हैं। क्या आप अंदर खुद से देखते हैं? क्या आप अंदर से लड़का है? वेरी गुड राठौर जी। राठौर जी लिखते हैं, रानी वॉज टॉट बाई राजा, टॉट रानी, रानी वॉज टॉट बाई राजा। बिरजू किल्ड माई डक डायमंड, माई डक डायमंड वॉज किल्ड बाई बिरजू, माई डक डायमंड वॉज किल्ड बाई बिरजू। यही बनेगा? क्या बात है, मैं भी सीख गया आप लोगों के साथ रहते रहते। फीस तो मालिक मेरे पास है नहीं, दिल लेके आया हूं, दिल अगर ले सकते हैं तो ले लो।
चाकू नहीं तलवार ले आओ, दिल थोड़ा मेरा बहुत बड़ा है तो तलवार से शायद ही निकल पाएगा। बुलडोजर चलवाओ। Many boys were teaching a widow. Kalia was beating Dalia. Sound problem हो रही है? Sound problem. आवाज करो, आवाज चेक करो। वेरी गुड चिकू गुजर जी, उन्हें बनाया है। अ विडो वॉज बीइंग टीज्ड बाय मेनी बॉयज। वेरी गुड। अ विडो वॉज बीइंग टीज्ड बाय मेनी। अब वीडियो के मुताबिक वर नहीं वज आएगा। एंड कालिया वॉज बीटिंग डालिया, डालिया वॉज बीइंग बीटन बाय कालिया। बहुत ही सुंदर। ये रहा छठा, आधा खत्म हो चुका है। डूअर फिर हैड और फिर वरव की थर्ड फॉर्म और फिर नाउन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव कहलाएगा। और इसका पैसिव नाउन प्रोनाउन हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर। ये रहा पैसिव। क्या समोसा 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 ही लिखे जा रहे। कुणाल त्यागी सबको देख के हंसती है। एक मुन्नी ये भी बैठती 68 में बैठती थी, बहुत ही सुंदर। वो कहती थी कि हंसना तो मुन्नी की अदा है और जो इसे मोहब्बत समझे वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। तो मुन्ना सही कह रहा है कि वो तो सबको देख के हंसती है। रिसेप्शनिस्ट है, काउंसलर हो, या फिर एयरपोर्ट पे जाइए, या फिर आप कहीं भी जाइए, वो आपको स्माइल से वेलकम करते हैं। वो उनका ड्यूटी है, आप कुछ और मत समझिए। और भूखा को हर जगह, अगर 20 दिन का कोई भूखा है और उसको गोबर दो खाने के लिए और कहो ये घेवर है, वो दोनों हाथ से खाएगा। वो 20 दिन का भूख है ना, गोबर को भी घेवर बना दिया है।
ढेला भी लड्डू लगेगा उनको। उत्तम नगर का नाला पे जो बहरा होता है सुबह सुबह, उनको भी दिखाओ, वाह क्या मालपूरी लग रहा है, क्या स्वाद है, सुगंध है। ये सब आपके भूख पे डिपेंड करता है, भूख कैसा है। कुणाल हैड ईटन ऑल द स्वीट्स, कुणाल हैड ईटन ऑल द स्वीट्स हैड बीन ईटन बाई कुणाल, ऑल द स्वीट्स हैड ईटन बाई Had been eaten by Kunal. छिछी नहीं है, रुचि प्लीज कम बैक। कीकी हैड स्लैप्ड चीची, चीची हैड बीन स्लैप्ड बाय कीकी। कीकी डू यू, बहुत ही सुंदर वीडियो जी, क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर आप इसको जादू का झप्पी लेते हैं। अभी रुक जाओ, बांटते हैं, ढक के रखना समोसा को, सारे समोसे ढक के रखो। वैभव जी की भी हमेशा जय हो। ड्यूअर प्लस मॉडल प्लस बियर इन्फिनिटी प्लस नाउन, या और मॉडल तो जानते हैं आप। आइए मुन्नी के लफ्जों में सुनते हैं मॉडल, पांच मॉडल बताइए फटाफट। विल, शैल, शुड, वुड, माइट, बहुत ही सुंदर। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, सब क्या है, ये सब मॉडल है। तो अब कोई भी मॉडल आएगा ऐसे ही बनाया जाएगा। कोई मॉडल बोल दीजिए आप। विल, ऑट टू, we ought to love our parents, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बेदखल कर दो जमीन और जायदाद। मनीष जी बताइए कौन सा मॉडल लिख दो, बताइए, माइट लिख दो, यूज टू लिख दो, यस, शीला यूज्ड टू बीट मनीष। मनीष जी आपका नाम नहीं है। शीला यूज टू बीट मनीष, शीला
डेली लाइव क्लास लेंगे, चिंता मत कीजिए। क्या बात है, थैंक यू सर, आपके कहते ही रुचि का कॉल आ गया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जब कॉल आ ही गया तो लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए। वी ऑट टू लव आवर पेरेंट्स, तो क्या अब ये क्या करना है, ये आवर पेरेंट्स बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। आवर पेरेंट्स ऑट टू और बी आएगा, क्योंकि जो इज एम आर है ना वो मॉडल के कारण बेस फॉर्म में आएगा, मॉडल के बाद इज एम आर नहीं बी फॉर्म आता है। तो आवर पेरेंट्स ऑट टू बी लव्ड बाई अस, आवर पेरेंट्स ऑट टू बी लव्ड, ऑट टू बी loved by us, and Sheila used to beat Manish, Manish used to be beaten by Sheila, Manish used to be beaten by Sheila. क्या कर रहे आप? Bare infinitive क्या होता है? मॉडल, मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की डेयर और नीड से बता रहे हैं आप, तब वही बोल देते, वही लिख देते हैं। He dare not speak English. वो अंग्रेजी बोलने की दुस्साहस नहीं करता है। He dare not speak English. English dare not be spoken by him. ये बनेगा जैसे बनता वैसे बनेगा। बनेगा उसी तरह से जो बता रखा है, लेकिन अर्थ नहीं आएगा उसका कुछ, इससे नहीं बनाते। कितना नंबर था ये? अभी समझाते हैं, आठ नंबर समझाए नहीं है। हिम्मत जी अभी समझाते, हिम्मत रोहित, हिटमैन रोहित, ओके। मुझे लगा कम से कम आज तो 1000 समोसा आ ही जाएगा, आ नहीं पाया। लाइक्स भी मात्र 652 लाइक्स आए हैं,
तो समोसे कैसे आएंगे? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, बताइए 3,500 तो बच्चे बैठे हैं। अब बढ़ा, एक बढ़ा, तीन बढ़ा, 55, ये हुआ 56, ये 57, 10 लाइक एक समोसा, 64, ये 73, क्या बात, ये हुआ 700, ये हुआ 750। कहां बैठे थे आप लोग बताइए? सात सौ पैंतालीस। लाइक्स तो मिलना चाहिए कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, अगर आप लाइक्स नहीं करेंगे तो लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बेकार चीज है। तो इससे आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा, आपका तस्वीरें, आपकी तस्वीरें जा रही है। अभी 800 होना बाकी है। हजार के बाद ही मैं इसको समझाऊंगा। जय महाकाल। हाँ वैभव जी, आज ही फिनिश करवा देंगे, बिल्कुल। जय महाकाल, जय महाकाल। अभी नहीं हुआ है 800। बस 800, क्या बात, बहुत ही देखिएगा। तब हजार करते रहिए। ये लगता कि आप लोग अच्छा बोल सकते हैं इधर आके, कि 5,000 लाइव नहीं, कितना लाइव चाहिए, 10,000 लाइव चाहिए। देखिएगा ये बहुत आसान है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी किसी बच्चे ने मैसेज लिखा कि सर आप ये 8 नंबर समझा दो, इसको समझाने का अच्छा तरीका तो यही है। अब देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट को बना रखा है, जान रखा है, सीख रखा है, वही तो है डूअर, है वर्क थर्ड फॉर्म नॉन प्रोनाउन। इसी को हमने क्या कर दिया है, नॉन प्रोनाउन हैव बीन वर्क थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर आ गया। सिर्फ बीच में क्या है, मैंने बताया था, अरबों साल पुरानी बात है, एक ही मॉडल सेंटेंस बनाता नहीं है, ये बने बनाए, ये चार एस्पेक्ट है ना प्राइमरी ऑक्सिलरी के जरिए बनाए जा चुके हैं, और ये बने बनाए चारों एस्पेक्ट में मॉडल क्या करता है, एंट्री करता है, और हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसको सीख रखा है वो तो मॉडल का बना ही लेगा, बीच में मॉडल आ गया, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है। छुट्टी हो जाएगा, बस दो बचा हुआ है, कसम काली मां की, दो बचा हुआ है, खत्म करके। दे मे हैव कुक्ड द फूड, दे मे हैव कुक्ड द फूड, फोटो कॉपी बांटो। द फूड मे हैव बीन कुक्ड बाय देम, द फूड मे हैव कुक्ड बाय देम। I should have been called by her. क्या बात, I should have been killed by her. I should have been called by her. ये रहा नाइन्थ और खत्म थोड़ी देर में। ये रहा डूअर और ये रहा मॉडल, और मॉडल के बाद आ गया have to, और इसके बाद फिर नाउन, नहीं have to के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर नाउन और प्रोनाउन, और ये बन गया एक्टिव। पैसिव क्या बनेगा इसका, नाउन प्रोनाउन प्लस मॉडल, और उसके बाद फिर हैव टू, बी आ जाएगा
क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद ई जमा तो आएगा नहीं, तो बी बी में बी अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। और अभी जो मैं 104 क्वेश्चन बंटवा रहा हूं ना, ये एग्जाम में एसएससी में पूछे गए सवाल है, सीजीएल में ही आया है, मेंस प्री में तो अभी आने लगा, मेंस में आया हुआ है। और आप पाएंगे कि जितना भी 9 है एक और 10 बताएंगे और 10 11 हो जाएगा, तो आप पाएंगे पूरे 11 रूल पे ये 104 सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूरे 104 के चार आप बना लेंगे। गरम गरम है ना ये सब, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं समोसा तो बटा ही है, आज चटनी नहीं मिला आपको, तो चटनी कल पक्का हम कल फिर से समोसा खाएंगे चटनी के साथ, और कल पक्का खाएंगे। आज मतलब आज चले आज तो जिस रूप में समोसा मिला खाइए। नहीं बेवफा नहीं है, थोड़ा सा प्यार पहुंचने में समय लग रहा है लेकिन पहुंचेगा जरूर, तो आज नहीं तो कल। और कल मैं इसलिए समोसा खिलाऊंगा कि समोसा के चक्कर में बच्चे कल जरूर आएंगे, आप देखना। और कल मैंने सोचा है समोसा एक नहीं बल्कि दो दो समोसा हम लोग खाएंगे। हाँ कसम 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 कलम के YouTube पे, YouTube को साक्षी मानते हुए मैं कसम खा रहा हूं कि कल समोसा हम जरूर खाएंगे, सब लोग खाएंगे। अब एक खाएंगे दो खाएंगे पता नहीं, और कलम जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जितना पढ़े हैं इससे हम दुगुना कल पढ़ेंगे। आज तो बहुत सारी बेसिक बातें हुई थी, नहीं उनकी कसम क्यों खाएं। I will have to teach you, क्या बन जाएगा, you will have to be taught by me, you will have to be taught by me, you will have to be taught by me, Ram may have to cook the food may have to be cooked by Ram. The food may have to be cooked by Ram. और ये रहा दसवां, doer plus is am are was were have has had plus two plus verb की first form प्लस नाउन या प्रनाउन, ये बन जाएगा एक्टिव। पैसिव क्या बनेगा, नाउन प्रनाउन प्लस इज एम आर was, were, have, has, had, plus to be plus verb की third form plus by plus doer। बस 10 तक ही हम छोड़ सकते थे लेकिन मम्मी कहती है कि 10 नहीं बल्कि 11, 100 रुपया नहीं बल्कि 101, तो 11 कर लेते हैं। 12 नहीं 10 ही सही।
अभी तक लाइक्स 1000 तक नहीं पहुंचा है। अभी 11 नंबर रूल जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं बताऊंगा जब तक कि 1880 नहीं नहीं प्लीज अनलाइक मत करना। समोसा खिलाएंगे कल हम पक्का। फटाफट 1000 कर दीजिए। अंध भला तो सब भला। नहीं मजाक कर रहा था, यूट्यूब पे क्लास नहीं हटेगा। 2 बजे फ्री मिलेंगे हम लोग। 1000 लाइक्स मिलेंगे तो मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं पे रखना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगा बच्चे को पसंद ही नहीं तो रखे क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा। टोटल कितने पूरी है? फटाफट फटाफट कीजिए, कम से कम 900 कीजिए, 1000 कीजिए। टैप टैप देखिएगा। ही इज टू बाय अ कार, अ कार इज टू बी बॉट बाय हिम, अ कार इज टू बी बॉट बाय हिम, अ कार इज टू बी बॉट बाय दिस वर्क हैज टू बी डन बाय यू एंड शी हैड टू राइट अ लेटर। A letter had to be written by her. A letter had to be written by her. कोई दिक्कत है किसी को? और ये रहा आखिरी। देखिए मैं कुछ टीचर्स के साथ मुझे 2 बजे आना भी है, डिस्कस भी करना है। वो फ्यूचर की बात ना सोच के मैं वर्तमान में, आप लोग आए हैं तो जो काम समाप्त करना है करके जाएंगे। और हम भी सिर्फ थायराइड का वो टैबलेट खा के आए हैं, कुछ खाए कुछ नहीं है। लेकिन आप प्लीज बस ये आखिरी रूल है, कसम काली माँ की झूठ नहीं बोले। काली माँ से झूठ बोलने का मतलब है गला कटवा लेना, फिर काली माँ एक और मुंडी बढ़ जाएगा उनके हाथ में। देखिए काली माँ आ रही थी आगे। बहुत बच्चे ये इस स्ट्रक्चर को जानते होंगे, नहीं जानते हो, बहुत जानते भी तो गलत करके आ जाते हैं। गोइंग टू, और जो नहीं जानते हो क्या बना देंगे, बीइंग गॉन, इसका बीइंग गॉन करके आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, ये भी सेमी मॉडल ही है। और इसका कैसे बनेगा, तो नाउन प्रोनाउन लिखिए और उसके बाद लिखिए इज एम आर और उसके बाद फिर सॉरी वॉचवर्ड भी आएगा, नहीं लिखते हम, मतलब क्या आ जाएगा, गोइंग गोइंग टू और टू के बाद फिर क्या आ जाएगा, बी और बी के बाद इस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनके तैयार। बीइंग गॉन मत कर देना इसे, बाय डूअर। अभी तो 1000 तो कर दो भाई, आपके रहते हुए मुझे तरसना पड़ रहा है लाइक्स के लिए। बताइए क्या क्या नहीं करते हैं आप लोग का, मतलब मैसेज के द्वारा कॉल करवा देते हैं, कॉल आ जाता है। ये सब अपने ही शब्दों में मुझे बता रहे हैं कि अब मुझे जाने दो, पेट में चूहा कूद कूद के सो गया है। छप गया है,
सेटिंग से करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितना हमने पढ़ाया वो तो आएंगे ही आएंगे, और ये भी आता है तो अक्सर लोग गलती करके आ जाते हैं। गोइंग टू का बनेगा, और बनेगा तो गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस इजम और वज वर, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ड्यूअर एग्जाम्पल। यस, मिस्टर मोदी इज गोइंग टू मिस्टर मोदी इज गोइंग टू डेसिमेट पाकिस्तान। भानु कौन है भाई? मैसेज आए कि भानु को बोल देना वो घर पे आएगा, समोसा लेके आ जाएगा रूम पे। दोस्त बहुत उम्मीद से इंतजार कर रहा, रास्ते से खरीद लीजिएगा। संदीप जी इनको पैसा दीजिए, 100 रुपया दीजिएगा, 10 समोसा ले जाएंगे घर। ये मैं ही दे देता हूँ, सॉरी हमारे पास ये 2000 का नोट है, आप निश्चित वक्त लौटा दीजिएगा। दीजिए मिस्टर मोदी इज गोइंग टू डेसिमेट पाकिस्तान, क्या बनेगा? पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डेसिमेटेड बाई मिस्टर मोदी। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डेसिमेटेड, गोइंग टू बी डेसिमेटेड। Is going to marry, going to marry Khujla. Khujli is going to marry Khujla. Ruchi shadi ke liye haan bhi kar di. Kya baat hai? अब देख दे, रुचि की जगह कोई रुचा तो नहीं है, इतना जल्दी हां हां किए जा रही है। क्या बनेगा इसका बताइए? खुजली इज गोइंग टू मैरी, तो खुजला इज गोइंग टू बी मैरिड बाय नहीं टू ही टू। खुजला इज गोइंग टू बी मैरिड, गोइंग टू बी मैरिड टू खुजली। जाते जाते आप इसको 1000 करके जाइए ताकि अच्छा लगे। कल आप जरूर आइएगा, सेम टाइम सेम जगह, कल समोसा जरूर बटेगा। और जो पेज दिया गया 104 क्वेश्चन का जो पेज है, अभी इसे बनाकर लाइएगा। आप बना के लाएंगे आप तो बहुत मजा आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय मिले आपको तो 2 बजे 2-4-5 बात करने के लिए आ रहे हैं, तो आज ही आएंगे, आज सैटरडे है ना, कल तो आना ही आपको 10 बजे यूट्यूब पे 2-4-10 मिनट के लिए आप जरूर आइएगा, आज दोपहर 2 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब पे मौजूद तमाम भाइयों बहनों को। और मैंने मजाक किया था कि मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ये रहेगा, 1-2 दिन 3 दिन रहेगा, आप देख लीजिएगा, इसे कल का ही वीडियो रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।